भारत और आयरलैंड के बीच होने वाली दो मैचों की T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है और अब आयरलैंड टीम ने भी अपना ऐलान कर दिया है और आयरलैंड टीम में कई खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि इसमें सबसे पहले स्टीफन डोहनी और साथ ही कॉनर ओल्फर्ट को डेब्यू करने का मौका मिलेगा और उन्हें आयरलैंड की टीम में पहली बार शामिल किया है। दरअसल आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड ने इनका सालाना कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया, जिसके बाद अब टीम इंडिया के खिलाफ होने वाली सीरीज़ के लिए दोनों को स्क्वाड में शामिल किया है। बहरहाल अगर बात करें टीम के अन्य खिलाड़ियों की तो टीम में एंड्रयू वालबर्नी को कप्तान बनाया गया है। इसके अलावा मार्कर अडायर, कर्टिस कैंपर, गैरथ डेलानी, जॉर्ज डकरेल, स्टीफन डोहनी, जोश लिटिल, एंड्रयू मैकब्राइन, बैरी मैकार्थी, कॉनर अल्फर्ट, पॉल स्टिलिंग, हैरी टेक्टर, लोकरन टकर और क्रेग यंग। आपको बता दें कि भारतीय टीम का पहले ही ऐलान हो चुका है और हार्दिक पांड्या को टीम की कप्तानी दी गई है। इसके अलावा आयरलैंड टीम ने भी अपनी युवा टीम का ऐलान कर दिया है और साथ ही दो नए खिलाड़ियों को मौका दिया है। वहीं बात करें अगर आयरलैंड टीम की तो इसमें एक नाम की कमी नजर आई, जिसके बाद सोशल मीडिया पर कुछ फैंस ने भी अपनी प्रतिक्रियाएँ दी। आपको बता दें कि आयरलैंड टीम से ऑलराउंडर खिलाड़ी सिमी सिंह को शामिल नहीं किया गया। भारतीय मूल के खिलाड़ी सिमी सिंह को आयरलैंड के स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया, जिसके बाद काफ़ी इस बारे में चर्चा हो रही है। बहरहाल आपको बता दें कि 26 और 28 जून को भारत और आयरलैंड के बीच दो मैचों की सीरीज़ खेली जाएगी। आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।